नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की हमारी वीडियो है मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल से यूपी बिहार जाने के लिए दिवाली छठ पूजा स्पेशल ट्रेन्स के बारे में। तो आज हम दो स्पेशल ट्रेन्स के बारे में जानेंगे। तो गाइस, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली ट्रेन होने वाली है 0558 रक्सौल फेस्टिवल स्पेशल, जो कि LTT मुंबई यानी लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से 7:55 पर सुबह में निकलती है। 32:55 का समय लेते हुए यह रक्सौल में दोपहर में 4:50 पर पहुंचती है। एंड इस ट्रेन के कोचेस के बारे में जान लेते हैं। तो इस ट्रेन में जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी एंड सेकंड एसी की कोचेस लगी हुई है। इस ट्रेन को 8 अगस्त 2024 से 30 जनवरी 2025 तक चलाया जाएगा। इस ट्रेन को सप्ताह में सिर्फ एक दिन चलाया जाता है, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को। इस ट्रेन के टोटल 20 स्टॉप हैं। इस ट्रेन के रूट्स के बारे में जान लेते हैं, यानी ये ट्रेन किस रूट से होते हुए जाती है। तो यह ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, पाटलिपुत्रा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए रक्सौल को जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी रक्सौल फेस्टिवल स्पेशल। अब दूसरी ट्रेन के बारे में जान लेते हैं, जिसका ट्रेन नंबर है 01043 समस्तीपुर फेस्टिवल स्पेशल। यह LTT मुंबई से दोपहर में 12:15 पर निकलती है। 33 घंटे का समय लेते हुए यह समस्तीपुर में रात को 9:15 पर पहुंचती है। इस ट्रेन के कोचेस की बात करें तो इसमें जनरल, स्लीपर एंड थर्ड एसी का कोचेस लगा हुआ है। यह ट्रेन 31 अक्टूबर 2024 से 7 नवंबर 2024 तक चलाई जाएगी। यह ट्रेन वीक में सिर्फ एक दिन ही चलती है, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को। इस ट्रेन के टोटल 22 स्टॉप हैं। इस ट्रेन के रूट्स के बारे में जान लेते हैं, यानी यह ट्रेन किस रूट से होते हुए जाती है। तो यह ट्रेन प्रयागराज छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पाटलिपुत्रा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए समस्तीपुर को जाती है। तो दोस्तों, जिन लोगों को LTT मुंबई से यूपी बिहार जाना है, सो अपनी अपनी टिकट जल्दी से जल्दी बुकिंग करा लें, अदरवाइज़ इन ट्रेनों की भी सीटें फुल हो जाएगी। बुकिंग कराने के लिए आप IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।